लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, हरियाणा बॉर्डर पर लगाई 6 नाके, नाकों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। स्पेशल टीम हरियाणा बॉर्डर पर रखेगी निगरानी। एसपी राजाश्रीराज वर्मा ने दी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद झुंझुनू जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। झुंझुनू जिले के हरियाणा बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अवांछित गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिले के बॉर्डर पर 6 नाके बनाए गए हैं। वहीं हरियाणा बॉर्डर के नाकों पर भी सघन चेकिंग के द्वारा प्रत्येक वाहन पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और प्रशासन का विशेष फोकस है। हरियाणा बॉर्डर पर निगरानी को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राजाश्रीराज वर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने को लेकर हरियाणा बॉर्डर पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। हरियाणा बॉर्डर के 6 नाकों पर 24 घंटे 3 शिफ्ट में पुलिस के जवान तैनात हैं। हरियाणा बॉर्डर इलाके में रूट चिन्हित कर अस्थायी नाके लगाए जाएंगे। अवांछित गतिविधियों पर प्रभावित तरीके से कार्रवाई को लेकर स्पेशल टीम को लगाया गया है जो बदमाशों पर विशेष निगरानी रखेगी। जो हरियाणा बॉर्डर लगता है उसमें हमने 6 स्थायी नाके लगाए हुए हैं। वहाँ पर सीसीटीवीज भी लगाई हुई है और हमारा जाप्ता 3 शिफ्टों में भी काम कर रहा है। वहाँ पर हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं और उसके अलावा भी अस्थायी नाके भी हम अलग अलग टाइम पर सरप्राइज अस्थायी नाके लगाएंगे। जो हमने जो रूट चिन्हित किए जाएंगे, जिन रूट से कुछ भी अवैध गतिविधि होती है, उन पर अस्थायी नाके लगाकर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ स्पेशल टीम को भी हमने लगाया हुआ है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सीजर्स कर सके और जितने भी वांछित अपराधी हैं, चाहे वो हरियाणा के हो या किसी और राज्य के हो या झुंझुनू ज़िले के बाहर के हो, उनके लिए भी हमने स्पेशल टीम का गठन किया है उनके धरपकड़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वारंटियों का निस्तारण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। इस बार 20,61,889 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 35 केंद्रीय बलों की टुकड़ी होगी तैनात। आचार संहिता की होगी जिले में सख्ती से पालना। नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे टीम रखेंगी जिले भर में निगरानी। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारी की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में 20,61,889 मतदाता हैं, जिनमें 29,576 सर्विस वोटर्स हैं। लोकसभा आम चुनाव में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की पहल की गई है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी एवं फॉर्म 12D भरवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों व संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों शाहिद कुल मतदान केंद्रों के 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय पुलिस, जिनके लगभग 39,000 सशस्त्र पुलिसकर्मी निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जाएगा एवं गुंडा एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं सूचनाओं की मॉनिटरिंग एवं त्वरित कार्यवाही के लिए कलेक्ट्रेट से कमरा नंबर 118 में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसके दूरभाष नंबर 01592231002 एवं टोल फ्री नंबर 01592195 है। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष 3 पारियों में 24 घंटों के लिए कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष में 1950 वोटर हेल्पलाइन, सविजिल जिला नियंत्रण कक्ष, आदर्श आचार संहिता संबंधित कार्य की मॉनिटरिंग होगी। आज हमने जो अपना चुनाव घोषित हो चुका है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो अलग अलग टॉपिक्स पे हमने अभी मीडिया को, उससे पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग दी थी, मीडिया को भी हमने ब्रीफिंग करी है। तो एक तो हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया है आज कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लागू हो गया, तो उसमें क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे। उसके अलावा जो होम वोटिंग का प्रोसीजर है, क्योंकि होम वोटिंग पे काफी चुनाव आयोग का भी फोकस है, तो होम वोटिंग के पूरे प्रोसीजर को डिस्कस किया गया है और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है।
उसके अलावा जो है हम लोगों ने ये भी बताया है कि मीडिया को भी क्या आज किन चीज़ों की ध्यान रखना है, उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो पेड न्यूज़ और जो प्री सर्टिफिकेशन है उसके संदर्भ में क्या क्या उनको कार्रवाई करनी होती है, कैसे करनी होती है, नॉमिनेशन के बारे में बताया है, डेट्स वगैरह बताई गई हैं, लोकेशन बताई गई है, ऑनलाइन जो आईटी एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन का प्रोसीजर रहेगा एंड उसके बारे में बताया गया है, सी विजिल ऐप एंड अदर जो सिटीजन से रिलेटेड ऐप्स हैं उसके बारे में भी बताया गया है एसपी साहब की तरफ से जो एंड हमारी तरफ से भी, जो हम लोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रिवेंट करने के जो कार्रवाइयाँ करेंगे, जो सीजर्स हैं, जो माइनिंग की एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो ओवरलोडेड ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक्स चलते हैं उस पर जो हमारी कार्रवाइयाँ रहेंगी उसके बारे में भी बताया गया है। तो अपनी अपना प्रयास रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो हों, और मैं सबसे ये अपील भी करना चाहूँगी जो हमारे मतदाता हैं, स्पेशली जो युवा मतदाता हैं, कि आप मैक्सिमम नंबर्स में आएँ और वोट करें। मैडम, आपके जो जागरूकता वाले कार्यक्रम होते हैं उनको इसको मतदाता वाले, तो इसकी सूचना केवल शाम को एक फोटो के साथ दी जाती है, हमें पहले नहीं बताया जाता? स्वीप के जो जो भी एक्टिविटीज डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं उसके इंचार्ज सीओ जिला परिषद है, वैसे हमारी तरफ से बहुत अच्छी स्वीप एक्टिविटीज चल रही हैं और भी जो बेटर कर सकते हैं उसको करेंगे। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे? अलग अलग कैटेगरीज के लिए अभियान चलाए जाएंगे, जैसे जो यूथ वोटर्स हैं उन पे स्पेशल फोकस रहेगा, तो यूथ वोटर्स को मतलब उनको इन्फॉर्म करने के लिए भी मॉक वोटिंग करवाना, कॉलेजेस में करवाना, वो सारी हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। महिला वोटर्स, वैसे यहाँ पर वुमेन का वोटर टर्नआउट रेशियो जो है वो आदमियों से बेटर है, लेकिन फिर भी महिला वोटर्स को हम और इन्वॉल्व करने के लिए उनके लिए भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज करेंगे, तो हमारा स्पेसिफिक फोकस जो है यूथ वोटर्स और महिला वोटर्स पर। लोकसभा चुनावों की शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित, कलेक्ट्रेट में कमरा नंबर 118 में स्थापित किया कक्ष, आदर्श आचार संहिता संबंधित कार्य की होगी मॉनिटरिंग, आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर 01592 1950 पर कॉल कर सकेंगे। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्राप्त शिकायतों व सूचनाओं को त्वरित कार्यवाही के लिए झुंझुनू में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने बताया कि कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 118 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01592 2310022 व टोल फ्री नंबर 01592 1950 जारी किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष 3 पारियों में 24 घंटे कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष में 1950 वोटर हेल्पलाइन, सिविजल जिला नियंत्रण कक्ष, आदर्श आचार संहिता संबंधित कार्य की मॉनिटरिंग होगी। नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी जिला परिषद के सीईओ व तकनीकी अधिकारी DOIT के संयुक्त निदेशक घनश्याम गोयल नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन जुटा तैयारियों में, सूचना केंद्र सभागार में सेक्टर ऑफिसर को दिया प्रशिक्षण, सेक्टर की इस बार होगी मैपिंग, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को लेकर भी रहेगा पूरा फोकस, वीवीपैट और ईवीएम को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। झुंझुनू में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में झुंझुनू विधानसभा इलाके के सेक्टर ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में झुंझुनू SDM सुमन सोनल ने सेक्टर ऑफिसर्स को उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वीवीपैट और ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। SDM सुमन सोनल ने बताया कि इस बार सेक्टर ऑफिसर्स अपने इलाके की मैपिंग करेंगे, साथ ही प्रत्येक बूथ पर जो सुविधा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए उनका परफॉर्म भी सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा तैयार किया जाएगा। अगर किसी मतदान के पर सुविधाओं का अभाव है तो वहां सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग को लेकर भी BLO घर घर जाकर आवेदन ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर ऑफिसर्स को चुनाव के दिन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। सेक्टर ऑफिसर को चुनाव के दिन क्या क्या काम करने होते हैं, साथ में ये जो मशीनें हैं
उनकी भी हैंडलिंग जो रिजर्व मशीन होती है वो सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से की जाती है, तो उसकी भी हैंडलिंग है वो करवाना भी सिखाएंगे। तो सेक्टर ऑफिसर ट्रेनिंग है लगभग